Hello guys, how are you all? I hope you all are doing great. जिसे सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको पता रहे कि DSSSP की जो भी नोटिफिकेशन हैं या कोई भी हमारे सैम्पल पेपर्स की वीडियो हैं वो तुरंत आपको पता लग जाए। ये मेरी वीडियो है पेपर वन दैट इज जनरल पेपर या पेपर वन जो हमारा होता है TGT PGT में 100 मार्क्स का। इसमें मैं बताऊंगी अपने वीडियो में पैटर्न किस तरह से हमारा पेपर आता है, कितने मार्क्स का होता है, क्वेश्चंस कितने होते हैं और क्या क्या हमारे क्वेश्चंस आते हैं एंड कौन कौन से टॉपिक्स हैं इम्पॉर्टेंट जो हमारे आते ही आते हैं। सो गाइज वॉच द फुल वीडियो एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट। सो लेट्स स्टार्ट। DSSSP जो हमारा TGT टीचर एग्जाम पैटर्न है सारे सब्जेक्ट्स, चाहे वो हमारा डोमेस्टिक साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो हमारा साइंस हो, नेचुरल साइंस हो, इंग्लिश हिंदी जो भी है, हमारा सबका पैटर्न सेम है। जो हमारा सब्जेक्ट्स है सबसे पहले वो है जनरल अवेयरनेस, फिर सेकंड है जनरल इंटेलिजेंस जो हमारी होती है पूरी रीजनिंग, बेसिक रीजनिंग, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है हमारा पूरा मैथ्स 10th क्लास तक का। नेक्स्ट है हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन जो हमारा 10th तक हिंदी और इंग्लिश ग्रामर पूछे जाता है क्वेश्चंस। एंड कॉम्प्रिहेंशन मीन्स पठित और अपठित जो गद्यांश होते हैं, जनरली अपठित गद्यांश आते हैं और इंग्लिश में अनसीन पैसेजेस। फिर है हमारा सब्जेक्ट कंसर्न्ड इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड बीएड। हमारा है सब्जेक्ट मीन्स आप अगर आप दे रहे हो एग्ज़ाम हिंदी का तो हिंदी जो भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे प्लस टीचिंग मेथोडोलॉजी और बीएड के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे 100 मार्क्स का। ठीक है गाइस, तो 100 मार्क्स का हमारा ये हो गया। और जो मैंने आपको सारे टॉपिक्स बताए हैं GK रीजनिंग मैथ्स हिंदी इंग्लिश ये सारे 20-20 क्वेश्चन आएंगे सबसे एंड 20 मार्क्स का होगा हर सेक्शन, तो टोटल हो गया 200 मार्क्स का। टोटल पेपर हो गया हमारा 200 मार्क्स का एंड कितने घंटे का है, 2 घंटे का। तो आप लगा लीजिए कि कितनी स्पीड होनी चाहिए एंड आपको इसमें जनरली 40% लाना ही होता है दोनों पेपर्स में, जनरल पेपर में भी और जनरल पेपर टू में भी, पेपर टू में भी, ताकि आप एग्ज़ाम में पास हो सकें एंड कट ऑफ में अगर आते हैं तो उस पर बैठा जा सके। नाउ सेकेंड इज़ फॉर PGT टीचर एग्ज़ाम पैटर्न ऑल सब्जेक्ट्स। इसमें हमारा हो सकता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एनीथिंग, कंप्यूटर। नाउ पेपर जो हमारा है जनरल पेपर पेपर वन वो सब सेम है जैसे TGT में है ऐसे ही हमारा PGT में है, पर थोड़ा सा लेवल हमारा हाई हो जाता है एज आप PGT टीचर बनोगे, दैट इज 11th-12th क्लास को आप पढ़ाओगे। तो गाइज सेम इट इज़ फॉर 100 मार्क्स। जो हमारा बस डिफरेंस ये है जो आपके सब्जेक्ट है दैट इज़ पेपर टू आपका लिखा हुआ है टू सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड बीएड। जो भी आपका सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हमारा और प्लस मेथोडोलॉजी जो भी है टीचिंग की और बीएड से क्वेश्चंस जो हमारे बनते हैं वो हमारा 200 मार्क्स का होगा, 200 क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल हमारा हो गया 200 प्लस पेपर वन 100 मार्क्स इज इक्वल टू 300 मार्क्स फॉर 3 आवर्स। तो स्पीच शुड बी वेरी क्विक ताकि आप पासिंग मार्क्स ला सकें। 40% हमारा पेपर वन में पास होना ही होना है एंड टू में, पेपर टू में हमारा भी 40% होना ही होना है। टोटल जो हमारा बनता है वो हमारा बनता है 120 पासिंग मार्क्स। तो अगर आपके 120 नहीं आते हैं तो आप कट ऑफ में बैठ ही नहीं पाओगे गाइस, तो यू हैव टू वर्क हार्ड। ओके नाउ नेक्स्ट इज हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें देखने हैं। देखो एक क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स का है एंड अगर आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको नेगेटिव मार्किंग होगी एंड 0.25 मार्क्स हमारे डिडक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, द बोर्ड रिजर्व्स इट्स राइट्स टू प्रिस्क्राइब अ मिनिमम कट ऑफ मार्क फॉर एनी पोस्ट एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि हमारा मिनिमम कट ऑफ कुछ भी हो सकती है। देखो पासिंग मार्क्स तो होंगे ही होंगे
ठीक है, उससे ऊपर ही हमारी कट ऑफ होगी। अगर पीजीटी में मैं बोलती हूँ 120 पासिंग मार्क्स है तो ऑब्वियसली 120 से ऊपर ही कट ऑफ बनेगी। जनरली जब अगर लास्ट ईयर्स की देखें तो हमारी आराम से 140, 145, 150, 155 कट ऑफ निकल जाती है। तो ऑब्वियसली आपको पास तो होना ही है, प्लस आपको कट ऑफ से भी पार करना है अपना रिजल्ट, ताकि आपका नाम लिस्ट में आ सके। एंड वो बोर्ड के ऊपर है उनका क्या राइट, उनका कौन सी कट ऑफ लेनी है। ठीक है, थर्ड, कैंडिडेट जो नंबर करते हैं 6 to 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज मीन्स विल बी कॉल्ड फॉर टायर टू एग्जामिनेशन। ये पहले होता था किसी किसी सब्जेक्ट्स में, बट अब नहीं है एज ऑलरेडी हमारा पीजीटी 300 मार्क्स का हो गया है। जिस भी सब्जेक्ट में हमें एंड्योरेंस टेस्ट होएगा या स्किल टेस्ट होएगा तो हमारा वो लिया जाएगा, एंड दैट इज ऑलरेडी गिवन। देन हमारा है 2 टायर एग्जाम, अब नहीं होता है। तो टायर 1 एग्ज़ाम जो हमारा होता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 में सिलेक्ट होना होएगा, पास होना होएगा, तभी आपका पेपर 2 चेक होएगा, नहीं तो आपका पेपर 2 भी चेक नहीं होएगा। तो गाइस यू हैव टू प्रिपेयर वेरी हार्ड। ये नहीं है कि पेपर 1 में आपने नहीं पढ़ा है, पेपर 2 मेरा पास हो जाएगा, नहीं। सो पेपर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आपका पेपर 2 चेक हो सके। एंड पेपर 1 में सब कुछ आता है, GK, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, एंड दैट टू वेरी इक्वल, यू नो, वेटेज इज गिवन। समय इक्वल वेटेज है, 20 मार्क्स हैं हर सेक्शन को, 20 क्वेश्चन हैं हर सेक्शंस के। तो आप कम से कम 3 सेक्शंस तो अपने मजबूत बना ही लीजिए, ताकि आपके उन तीनों सेक्शंस में बिल्कुल नंबर ना कटें, और आप सीधा बंद आँख करके क्वेश्चंस कर लो। स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए एंड ईजिली आप कट ऑफ में आ सके गाइज। ओके, चलिए अब देखते हैं कि पेपर 1 में क्या क्या आता है। पहला सेक्शन जो होता है जनरल अवेयरनेस, उसमें जो टॉपिक्स हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक GK। अब देखिए करंट अफेयर्स सब ज़रूर पढ़िए, करंट अफेयर्स बहुत सारे आते हैं, जो भी हमारा स्पोर्ट्स है, नेशनल, इंटरनेशनल, मेनली नेशनल न्यूज़ पे फोकस किया जाता है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, रिवर्स हैं हमारे, कहाँ कहाँ कौन से रिवर्स हैं, कहाँ कहाँ कौन से डैम्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा, पार्क्स हमारे कहाँ कहाँ हैं, देन हमारे कहाँ कहाँ हमारे टेंपल्स हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं। सपोज टेक एन एग्जांपल, मैं एक ऐसी जनरल क्वेश्चन बता रही हूँ कि ताजमहल कौन से शहर में है, तो आपको आंसर 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको उसमें टिक करना है। ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स, बायोलॉजी, जनरली हमारा करंट अफेयर्स में से पूछा जाता है, और जनरली हमारे सेम क्वेश्चंस आते हैं 10 ईयर्स के पेपर में से। करंट अफेयर्स आप डेली पढ़ें, कोई भी यूट्यूब चैनल से आप देख लीजिए जहाँ पर डेली करंट अफेयर्स आते हैं, या वीकली या मंथली, एंड उसके आप नोट्स बनाइए, एंड हफ्ते में ज़रूर एक बारी उनको अपनी आँखों से निकाल लीजिए, ताकि आप ना भूलें, ऑप्शन देख के सब याद आ जाता है। सेकेंड है हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में होता है रीजनिंग, आप एक बुक लीजिए और स्लोली एंड स्टेडली एक एक आप टॉपिक अच्छे से कीजिए। टॉपिक है हमारे क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, वर्ड फॉर्मेशन, अरेंजिंग वर्ड्स, डिक्शनरी ऑर्डर, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंसेज, ब्लड रिलेशन आता ही आता है क्वेश्चन इसके ऊपर, मिसिंग नंबर 100% इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, पजल्स एंड टैबुलेशन, सीरीज 100% क्वेश्चन आएगा सीरीज पे, नॉन वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग 100% इस पर क्वेश्चन आएगा। सारे टॉपिक ध्यान से करने हैं और अच्छे करने हैं, एंड मेन है हमारा स्पीड। ईजी आता है जब आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कर लेंगे, तो आप सीधा जाइए लास्ट ईयर के 10 ईयर्स पेपर्स सारे सॉल्व कीजिए, आपको पता लग जाएगा किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं। एंड मेरी नेक्स्ट वीडियोस होगी, सारे पेपर्स में सॉल्व करूँगी 1 by 1, हर सेक्शन को एक हमारी वीडियो होगी, जैसे पहले GK होगी एक वीडियो, फिर दूसरी हमारी जनरल रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी होगी। थर्ड हमारा है मैथ्स, 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चंस, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशन, प्रपोर्शन, एवरेज, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क, एलजेब्रा। गाइज इसमें से सारे टॉपिक कवर होते हैं सारे के सारे, तो प्लीज़ अगर आपका मैथ्स थोड़ा सा भी वीक है तो अभी से आप प्रैक्टिस करने लग जाइए। एक टॉपिक पहले अच्छे से कीजिए, फिर आप सेकंड टॉपिक पे जाइए, एंड जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं 10 ईयर्स के आप टॉपिक वाइज ही सॉल्व कीजिए, मैं ये ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि नहीं तो हमारा टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है मैथ्स में। एंड डू प्रैक्टिस, मैं आपको एक मैथ्स की भी दिखाऊँगी जिसमें बताया जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आते हैं।
ठीक है गाइस। एंड बाकी आप यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर सकते हैं किसी को भी जो आपके ये टॉपिक क्लियर कर देगा। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। मैंने बताया था आपको कॉम्प्रीहेंशन ज़रूर आता है इसमें। फिलअप्स, स्पेलिंग्स, ईडियम एंड फ्रेजेस ज़रूर आता है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे, राइट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से हिंदी में हम कहते हैं पर्यायवाची और विलोम शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन इम्प्रूवमेंट एंड एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग ज़रूर आता है गाइस। जो फिलअप्स होते हैं हमारे, फिलअप्स में जनरली आपको कवर किया जाता है ग्रामर पोर्शन। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ नाउन, व्हाट इज़ वर्ब, प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस, राइट। आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। टेंसेज, टेंसेज हमारे टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कब कौन सा टेंस हमारा यूज़ होता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो आपके सारे पता होने चाहिए। जेरेंड, एवरीथिंग यू शुड बी क्लियर, वेरी थरो, ताकि आपको अच्छे से रहे। स्पेलिंग्स, आपको स्पेलिंग दी जाएगी एंड आपको पता लगाना है कि कौन सी स्पेलिंग आपकी ठीक है। चार स्पेलिंग्स, राइट। तो आपको देखो स्पेलिंग हम इतनी नहीं पढ़ सकते हैं, बट हाँ अगर आप 100 स्पेलिंग डेली पढ़ लेंगे, उन्होंने एक हफ्ता पूरा रिवाइज करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ हमारी स्पेलिंग ऐसे होती हैं। एंड हमारी इंग्लिश की बुक है KG, दैट इज़ सुपर्ब। आप उसे डेली प्रैक्टिस कीजिए, आपको सॉल्व हो जाएगा। और हिंदी के लिए कोडोबा आती है हमारी 7th-8th क्लास की, उसमें से आप अच्छे से पढ़िए एंड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बेसिक्स, आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। हिंदी में हमारे आपके टॉपिक्स हैं हिंदी में गद्यांश, दैट इज अनसीन पैसेज, एक पैसेज दिया होगा, और क्वेश्चंस हमारे सॉल्व करने हैं आपको, इजी होता है बहुत, बस आपको स्पीड का ध्यान रखना है उसमें। नेक्स्ट है अलंकार और समास, रस, छंद, संधि, उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय पे 100% क्वेश्चन आता है, मुहावरे और एकार्थी शब्द, हिंदी व्याकरण, वचन कारक, संज्ञा लिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंसेस आते हैं। एंड आपको पता लगाना होता है कौन सा वचन है या कौन सा कारक है या कौन सी संज्ञा है, कौन सा लिंग है या कौन सा समास है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति, जो ग्रामर पोर्शन आएगा इसमें जनरली, विलोम और पर्यायवाची शब्द, सारे जितने भी हो सकते हैं आप सारे पढ़ लीजिए, कोई मत छोड़िए। नेक्स्ट है हमारा कंसर्न सब्जेक्ट। कंसर्न सब्जेक्ट बोले तो TGT में जिसका भी आप एग्जाम दे रहे हो, सपोज आप दे रहे हो नेचुरल साइंस का, तो आपको 6th to 12th NCERT बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। तो ग्रेजुएशन लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल भी अच्छे से कर लीजिए, प्लस 10 ईयर्स के हमारे पेपर्स आप अच्छे से कर लीजिए। एंड बात PGT की आती है, तो आप अच्छे से 10th, 11th, 12th की NCERT बुक्स, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, नेक्स्ट लेवल का आप अच्छे से पढ़िए। अगर आप पढ़ोगे वो, तो आसानी से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। एंड नेट में भी आप कम से कम 2-3 बुक रेफर कीजिए। गाइज, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने लास्ट ईयर का ही लिया है और मैंने सबसे पहले पेपर का स्टार्ट किया है। तो मेरा एग्ज़ाम जो होता है, ये जो एग्ज़ाम होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सारे आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सेम हमारे हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी आपका, 1 आवर 2 आवर या 3 आवर्स का होगा पेपर इस हिसाब से। अब आप देखिए सेक्शन ए जो हमारा है जनरल अवेयरनेस, सपोज आप ले लीजिए पहला क्वेश्चन, हेड क्वार्टर्स ऑफ UNO आर सिचुएटेड एट, कहाँ पर हैं UNO के, तो आपको पता होने चाहिए सारे हेड क्वार्टर्स जो हमारे मेन हैं। मैं आपको ये टॉपिक ज़रूर एक वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट हमारा है डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज, कौन थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो आपको सारे पहले प्रेसिडेंट्स पता होने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर्स पता होने चाहिए, फर्स्ट कौन थे, सेकेंड कौन थे, थर्ड कौन थे, ठीक है, या लंबे टाइम तक कौन प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, ठीक है। अब नेक्स्ट ले लीजिए द ओजोन लेयर रेस्ट्रिक्ट्स, ओजोन लेयर रेस्ट्रिक्ट करती क्या है, तो आपका ये साइंस का क्वेश्चन हो गया, तो आपको जनरल क्वेश्चन पता होना चाहिए। 15th क्वेश्चन देखिए, इकोलॉजी डील्स विद, इकोलॉजी किससे डील करती है, तो आपको ये बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए, इकोलॉजी, सस्टेनेबल, ये सारे हमारे टर्म्स होने चाहिए। अब आप ले लीजिए ये ले लीजिए 18th का, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन इज नोबेल प्राइज अवॉर्डेड, नोबेल प्राइज के, नोबेल प्राइज के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आता है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से नोबेल प्राइज़ हमें किस किस को मिल चुके हैं, ठीक है गाइज। जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया है, अभी तो मैंने खाली क्वेश्चंस बताए हैं, नेक्स्ट जो होएगा हमारा इन टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको वीडियो बता दूंगी। नेक्स्ट है हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। अब आप एग्जांपल ले लीजिए 22 क्वेश्चन, प्ले इज टू एक्टर एज कॉन्सर्ट इज टू, प्ले अगर हमारा एक्टर करता है तो कॉन्सर्ट कौन करता है, आपको वो बताना होगा। 23rd SCDTEF UGH WAI,
तो ये हमारी सीरीज हो गई, अल्फाबेट सीरीज हो सकती है, नंबर सीरीज हो सकती है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ही आप ट्रिक्स पता लगाओगे, आपको इजी होएगा सॉल्व करने में। मोर यू प्रैक्टिस, मोर यू विल बी एबल टू गेट दी आंसर इन वेरी फास्टली। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चंस। आप ले लीजिए 29 का क्वेश्चन, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। अब कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन है जो सबसे अलग है, वो आपको बताना है। आप 32 क्वेश्चन पर आइए, ये हमारा है पैटर्न वाइज। अब कौन सा पैटर्न, इसमें कौन सा पैटर्न आएगा, ऑप्शन हमारा दे रखा है, तो आपको पैटर्न वाले क्वेश्चन भी आपको अच्छे से सॉल्व करने पड़ेंगे। 31 क्वेश्चन देखिए, डिवीजन सेक्शन। ऐसे ही जैसे ही हमारा पैर बना रहा है, हमें ऑप्शन में से वैसे ही पैर हमें लेना है जो ठीक है। समझ आ गया गाइज? तो हमारे ये इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, रीजनिंग में कोई हमारी लिमिट नहीं है, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो मोर अगेन आई विल से, मोर यू प्रैक्टिस, मोर यू बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस करेक्टली एंड फास्टली। सो कीप प्रैक्टिसिंग फॉर द रीजनिंग गाइज, एंड दैट टू आई विल से अगेन, प्रैक्टिस आप एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग कीजिए, एंड फिर उसी के अकॉर्डिंग आप डेली क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एटलीस्ट आप 2 घंटे डेली आप रीजनिंग को दीजिए, इससे आपको बाद में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, आई प्रॉमिस। अब हमारे आ गए हैं मैथ्स क्वेश्चन। मैथ्स क्वेश्चन जनरली हमारे आते ही हैं रेशियो, प्रोपोर्शन, एलजेब्रा, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, हमारा सर्कल, स्फेयर, और हमारे एवरेज पे क्वेश्चंस, इन सब पे आते ही आते हैं गाइस। डू प्रैक्टिस, अगर आपका मैथ्स वीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट तब भी आप मैथ्स के क्वेश्चन कर सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी इजी। एंड एक टॉपिक 2 डेज, वन टॉपिक 2 डेज, क्वेश्चंस अच्छे से कीजिए। यूट्यूब पे कोई भी आपको जो पसंद है कि मैथ्स मेरे को अच्छा सा ये पढ़ा रहा है, एंड स्पेशली जो बोलते हैं 2 मिनट में सीखिए, वो तो बिल्कुल मत करना। आई से एक अच्छा सा ढूंढिए जो आपको ट्रिक्स नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट्स बताए कि कैसे करना है। मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन आते हैं, और उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको पूरा बता दूंगी। उसके अकॉर्डिंग आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए ज़रूर कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं और इस तरीके से हमें पढ़ना है, एंड श्योरली पढ़ना है। उसमें से आप 20 में से एटलीस्ट आप 10 क्वेश्चन कर लेंगे तो दैट इज़ वेरी ग्रेट, बिकॉज आपका टाइम टेकिंग बहुत होता है, तो क्वेश्चन नहीं आता तुरंत आप छोड़ दीजिए, ठीक है, उस पर अटके मत रहिए गाइज। तो मैथ्स के मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, दैट टू वेरी सून, वन बाय वन। टिल दैट टाइम यू कीप प्रैक्टिसिंग गाइज, कोई डाउट हो तो कॉमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड ये बात ध्यान रखिए, अगर आपने मैथ्स अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है इस बार की, तो आप नेक्स्ट बारी, आई मीन लाइक जब एग्जाम आ जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे। फाइन गाइज, अब हम बढ़ते हैं हिंदी की तरफ। इसमें अनसीन पैसेज दिया हुआ है, ग्रामर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, पर्यायवाची और हमारे विलोम शब्द, संज्ञा, वचन, कारक, कितने टाइप्स के होते हैं, आपको सब कुछ करना पड़ेगा, मुहावरे, लोकोक्ति, जितने भी आप पढ़ सकते हैं आप सब पढ़ लीजिए, सब कुछ, क्रिया विशेषण, सब कुछ गाइस, एंड दैट टू क्रिया विशेषण क्या होता है और इसके क्या क्या हमारे प्रकार हैं, सब पढ़ लीजिए। क्योंकि अगर हिंदी में ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हो, अगर आपकी हिंदी की पकड़ अच्छी है तो 20 में से 20 आ जाएंगे और आपको खाली 20 नंबर और लाने पड़ेंगे पासिंग मार्क्स के लिए, ठीक है गाइस। मैं आपको बताऊंगी सेम इंग्लिश के साथ होता है अनसीन पैसेज, इस साल कोई नहीं आया था 2018 एग्जाम में। तो गाइस ग्रामर पोर्शन आप अच्छे से कीजिए, स्पेलिंग्स बहुत सारी आई थी, ग्रामेटिकल एरर्स वाले क्वेश्चंस, एक्टिव पैसिव इनडायरेक्ट स्पीच, भर भर के क्वेश्चंस आए थे। तो इंग्लिश में आपको कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी आ सकता है, तो आप एक KD बुक है, फाइन KD पब्लिशर बुक है, तो आप वो अच्छे से पढ़िए ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से आ जाएं। उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं एंड उसमें आप इजीली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि 20 क्वेश्चंस होते हैं, स्पीड शुड बी सो फास्ट, आपको टाइम नहीं होता है कि आप एक क्वेश्चन को 3-3 बार 4-4 बार पढ़ें। तो गाइस बाय दैट बुक एंड प्लीज़ डू स्टडी दैट बुक, एटलीस्ट स्पेंड 2 आवर्स डेली
कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स गाइज. ओके सब्सक्राइब माय चैनल गाइज एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट एंड कीप लाइकिंग माय वीडियो कीप लाइकिंग माय चैनल एंड वेटिंग फॉर माय वीडियोस. ओके गाइज सो टेक केयर बाय.